चने से बने उत्पादों की अच्छी डिमांड रहने के कारण मिलों की चने में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इंदौर मंडी में चने की आवक पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण फिलहाल भाव में तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को इंदौर में चना कांटा 50 रुपए बढ़कर 4900 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। मिली जानकारी के मुताबिक चने की बोइंग अब शुरू हो चुकी है। अब तक बोनी के आंकड़े अच्छे बताए जा रहे हैं, हालांकि आने वाले 3-4 सप्ताह में बोनी के आंकड़ों में बदलाव होता रहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस वर्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चना की बोइंग बोनी कमजोर रहने की आशंका है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक में बोवनी अच्छी है। कमजोर आवक के सामने सीमित मांग के साथ ही अगर नाफेड की बिक्री बंद होती है तो चने में 50 से 100 रुपए की तेजी आ सकती है। दूसरी ओर मसूर में ऊंचे दामों पर मांग का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण भावों में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को मसूर 50 से 75 रुपए टूटकर 6650 से 6675 रुपए प्रति क्विंटल रह गई और इसके समर्थन में मसूर दाल में भी 50 रुपए की मंदी देखने को मिली। तुअर दाल में फिलहाल ग्राहक की बेहद कमजोर होने और मिलों के पास अच्छा स्टॉक होने के कारण मिलों द्वारा तुअर दाल के दामों में करीब 150 रुपए की कटौती पर बिकवाली की जा रही है। वहीं अगर देखा जाए मूंग और उड़द में कामकाज सामान्य देखने को मिल रहा है, भाव में कोई खास परिवर्तन नहीं रहा है, लेकिन चने के उत्पादों की अच्छी डिमांड के चलते चने की कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।